हटिबो काउंसिल आसिबो कमिशन संसद रे आगत पूर्वरु नेशनल मेडिकल कमिशन बिल को देशव्यापी डाक्तरों को विरोध संशोधन पर स्टैंडिंग कमिटी को पठाइले केंद्र सरकार। निर्वाचन पूर्वरु बीजेडी रा यूथ कार्ड नुआ भोटरों को दल को आनिबा पई प्रस्तुत थिला एक्शन प्लान 2000 परे जन्मित पिलांक सह जोड़ी हेबो दल विरोधी कहिले निष्फल हेबो प्रयास। जोर धरला थारण राजनीति राज्यसभा एमएसपी वृद्धि को केंद्र कृषि राष्ट्रमंत्री ना पर तातिला बीजेडी राज्य को दोष देला बीजेपी सेपटे डिसेंबर सुधा 30% अधिक धान संग्रह। खणि बंद पर बढ़ला चिंता केन्दुझर जोड़ा अंचल में हजार हजार श्रमिक जीविका हर आशंका राज्य हर वार्षिक 300 कोटी राजस्व। बिना दुर्घटना रे बीमा टंका हड़प दलाल का सहित पुलिस वकील डाक्तरों मेंटर पर्दाफाश पर खोलताड़ तदंत कर क्राइमब्रांच स्पेशल टीम न्यूज 18 ओडिया रा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंस राजुति में पड़ जवनिका बरगढ़ धनुजात्रा आज मंचस्थ हो शेष दृश्य कृष्ण हाथ में बद्ध हे प्रबल प्रतापी महाराज कंस। नमस्कार, आमरी ओडिशा को स्वागत करुछु अविनाश षडंगी। उच्छेद हेब मेडिकल इंडियन मेडिकल काउंसिल कार्यकारी हेब नेशनल मेडिकल कमिशन बा एनएमसी तबे सेथिपाई एमएनसी बिल संसद रे पारित करबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। ता पूर्वर बिल को देशव्यापी कर जायछि जोरदार विरोध रास्ता को ओल्हाइछंती डाक्तरी छात्र छात्री। विरोध को देखी बिल तर्जमा पाई पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी पाखो को पठाई दैछंती केंद्र सरकार। यहा पर स्थगित रहिछि आंदोलन। एनएमसी बिल को तीव्र विरोध देशव्यापी डाक्तरी छात्रों आंदोलन। बिल रे विभिन्न व्यवस्था को करा जाई विरोध। आंदोलनकारी कहते कमिशन कार्यकारी हेले डाक्तरी शिक्षा रे घरोईकरण प्रवेश महंगा हेबो आउ दुर्नीति पाई बाट खोलिबो। आयुष डाक्तरों ब्रिज कोर्स विदेशी डाक्तरों प्राक्टिस अनुमति भली प्रस्ताव को मध्य विरोध करा जाई। देशव्यापी विरोध को देखी बिल रे संशोधन पाई बाध्य होइछंती केंद्र सरकार। संसदीय स्टैंडिंग कमिटी पाखो को पठाई दिया जाय छी बिल। या पूर्वरु राज्यसभा रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहछंती डाक्तरी शिक्षा रे संस्कार आनिबा पाई एक गुरुत्वपूर्ण बिल आगत करा जाउ छी। कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मेरी डिटेल में बातचीत हुई थी। कुछ उनके मन में जो भ्रांतियां थी उनको हमने दूर किया है, उनसे बातचीत की है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह मेडिकल प्रोफेशन के लिए और देश के लिए लाभकारी है, इस कारण से ये बिल लाया जा रहा है। ये जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर गिराने वाला है, शिक्षा की फीस बढ़ाने वाला है और डॉक्टरों की फीस बढ़ाने वाला है। सिर्फ डॉक्टरों की फीस ही नहीं बढ़ेगी, जो दर्जा के डॉक्टर्स के जो दर्जा अच्छी तरह के डॉक्टर्स तैयार होने चाहिए वो तैयार नहीं होगी और इसका खामिया पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। एनएमसी बिल को ओडिशा रे भी जोरदार विरोध। भुवनेश्वर पावर हाउस छक रे विक्षोभ प्रदर्शन करिछंती डाक्तरी छात्र छात्री। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ओडिशा शाखा प्रतिनिधि दल राज्यपाल को भेटी संशोधन पई देइछंती स्मारक पत्र। सेबडे कटक बड़ मेडिकल परिसर रे थिबा आईएमए कार्यालय रे वरिष्ठ डाक्तर माने एकाठी होई बिल रे थिबा त्रुटि संपर्क रे आलोचना करिछंती। केंद्र सरकार डाक्तर मानक उपरे अंकुश लगेबा को एभली कमिशन आणुछंती बोली अभिजोग करिछि आईएमए। आम विरोध करूनु कि जो क्लज जो पिटफल्स रोचे के क्लज तार से गोटे एंटी आई मीन अनडेमोक्राटिक एंड एंटी पुअर एंड अंडर प्रिविलेज लोक तेणु आम से विरोध करतेटा क्लज पे आम गवर्नर को देखा कर पर्सनल सेक्रेटरी मोमेन एडम देलु। गवर्नर कहते हैं सब वैलिड पॉइंट्स एंड सैलिएंट पॉइंट्स आम रेज करू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉइंट आउट कर विषय में सरकार उद्देश्य हूँ जस्ट टू मेक ए पार्लर सर्विस जे जो जमी डॉक्टर मैंने प्राइवेट प्राक्ट टे अधिक हो जाए तेणु डॉक्टर डॉक्टर मैंने अवेलेबल हो ना गवर्नमेंट सर्विस पाई तेनाली गोटे कंट्रोल एलिवेट कर। हम लोग का डिमांड ये कि आप लोग इनडायरेक्टली पीजी सीट बढ़ा दीजिए ना हमारे लिए। अगर आप लोग को लगता है कि डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, इंडिया के डॉक्टर्स छोड़ के इंडिया छोड़कर बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं तो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि आप लोग इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हमको, तो आप लोग पीजी सीट बढ़ा दो।
आसंतु नजर पकेबा एनएमसी बिल रो किछि गुरुत्वपूर्ण पॉइंट उपरे। पॉइंट नंबर 1 5.5 वर्षर एमबीबीएस पाठ्यक्रम सारी डाक्तरी छात्र छात्री जे मॉडर्न मेडिसिन लाइसेंस पाउछंती आयुष डाक्टर माने मध्ये सेभली डाक्तरी लाइसेंस पाई परिबे। एति पई समानक एक मध्यवर्ती कालीन पाठ्यक्रम रे उत्तीर्ण होबाक पड़िबो। पॉइंट नंबर 2 घरे मेडिकल कॉलेज रे नाम लेखा पई 40% सरकारी संरक्षण एवं 60% संरक्षण रहिबो मेडिकल कॉलेज पाखरे। पॉइंट नंबर 3 मेडिकल काउंसिल रे 25% मनोनीत एवं 75% निर्वाचित सदस्य रहउछन्ती, किंतु एनएमसी बिल अनुसार कमिशन रे 90% मनोनीत एवं 10% निर्वाचित सदस्य रहिबे। पांचोटी राज्य केवल निर्वाचन रे शामिल होई परिबे। पॉइंट नंबर 4 विदेशी डाक्टरों को पई भारत रे प्रैक्टिस करिवार सुजोग रहिबो। भुवनेश्वर रु शुभलक्ष्मी बड़ एवं कटक रु अजय दासों को सह ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बीजेडी यूथ कार्ड नुआ भोटर सहित जोड़ी हेबो दल युवपीढ़ी को दल को आणिबापाई आक्शन प्लान प्रस्तुत करिछि बीजेडी। हेले बीजेपी कहिछि नुआ भोटर नवीन सरकार 18 वर्षर शासन को देखिछंती, तेणु सेमाने उचित जवाब देबे। युवकों ऊपर कांग्रेस भी आशा बांधि बसिछि। युवपीढ़ी ऊपर बीजेडी रो नजर। 2019 निर्वाचन पई बीजेडी रो टार्गेट रे युव भोटर। 2000 मसीहा रे बीजेडी शासन को आसीबा बेळकु जेउ माने जन्म होईछंती सेमाने 2019 रे मतदान करिवे, तेनु सेमानक पाखरे पहुंचीबा पई दल चेष्टा करिवो। युवपीढ़ी को दल सह जोडीबाकु मीडिया रो सहयोग नियाजीबो बोली कहिछंती सांसद भर्तुहरि महताब। चैलेंज रहिछि 2000 मसीहा परे जो पिला माने जन्म ग्रहण करिछंती सेमाने 2019 बेळकु वोट अधिकार पाइबे। सेमानक पाखुक आमे जते अधिक परिमाण रे पहुंचि परिवा ताहा आम पई एक बड़ चैलेंज हेछि, एवं सेति पई सब प्रकार रो मीडिया को व्यवहार करी बिजु जनता दल तांक पाखरे पहुंचिबो। बीजेपी कहिछि 2000 मसिहा रे जन्म होइथुवा पिला 18 वर्ष शासन रो वास्तव स्थिति जानिछंती, पढिबा बेलर समस्या अंगे निभाइछंती, तेनु बीजेडी नुहे बरम युववर्गक मध्यरे बीजेपी आशा संचार करिवो। सेपडे कांग्रेस कहिछि गुजरात निर्वाचन परे युव भोटर माने एबे दळमुहा होइछंती। तांको स्कूल रे मास्टर नाहंती, तांको पई क्लासरूम नाही, सठिक समय रे सरकार ड्रेस पहुंचेई नाहंती, सरकार तांको काम ठीक समय रे संपादन करी नाहंती, चित्त भावरे तांकर भविष्यत प्रति चिंता करी तांको मन रे जो आवेग सृष्टि हेछि जे जो माने व्यवस्था तांको मिलिया कथा से मिली नाही, तारो प्रतीक उत्तर निश्चय खोजिबे। से प्रसाद हरिचंद्र मो राहुल गांधी को नेतृत्व रे जोरसोर छात्र युवा समाज बा प्रसाद हरिचंद्र नेतृत्व रे राहुल गांधी नेतृत्व को गुजरात इलेक्शन रे जानी पारी समस्त माती गलेनी। साधारण निर्वाचन रो वर्षे आगरो मैदान सजाड़ी बारे लागिलेनी राजनीतिक दल। नुआ भोटर को निज शिविर को आनी निर्वाचनी बैतरणी पार पई होईछि बृहत योजना। भुवनेश्वर रु कैमरामैन आलोक मिश्र को सह शिवानंद दास न्यूज 18 ओडिया। फेक एक्सीडेंट, फेक डॉक्यूमेंट और पुनी फेक इंश्योरेंस। पुलिस डाक्टर वकील एवं इंश्योरेंस एजेंट का मिली भगत रे राज्य रे चली थिला बड़ धरण रे ठकई। सब चलू करी देले कोटी कोटी टंका भी चलू होईछि। मालेमाल होईछंती पुलिस डाक्टर एवं वकील जहार प्रमाण लागिछि न्यूज 18 ओडिया हतरे। धरा पड़ा पुलिस डाक्तर वकील एवं एजेंट को महा ठकामी। फेक एक्सीडेंट देखाई बीमा कंपनी ठारु कोटी कोटी टंका चलु। एभली घटना सामने आसा पर 45 मामलार तनाघना आरंभ कर क्राइम ब्रांच। बड़ ठकामीर बड़ खुलासा, फेक ड्राइवर ना रे फेक मामला, सबु फेक, किंतु इंश्योरेंस टंका असली। नजर पकाइबा केमिति होइथिला ए ठकामी। 2015 रे केन्दुझर टाउन थाना रे केशव चरण महांत नामक जने गाड़ी ड्राइवर को नारे रुजु होइथिला दुईटी दुर्घटना मामला। 2016 रे पुणी थरे सही केशव चरण महंत को नारे केन्दुझर टाउन थाना रे पुलिस रुजु कला आउ एक दुर्घटना मामला। एतिकिरे सरिला निकारसादी सही वर्ष अर्थात 2016 रे पुणी थरे केन्दुझर सदर थाना और बारिया थाना रे आउ दुईटी दुर्घटना मामला रुजु हला केशव को नारे। दुई वर्ष रे केशव को नारे रुजु हला एमिति पांच पांचटी मामला। सबुठ बड़ कथा हला केशव चरण महंत हेउछंती फेक, अर्थात से ड्राइवर नुहंती कि दुर्घटना भी करी नाहंती।
ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଲାମ୍ବାର୍ଡରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ରାଇଭର ସେ କେଉଁଝର ଟାଉନ ଥାନା, କେଉଁଝର ସଦର ଥାନା, ବରିଆ ଥାନାରେ 15-16 ବର୍ଷରେ 5ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହଜନକ, ତେଣୁ ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇରେ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ, ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଓ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ। କେବଳ କେଶବ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଫେକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ମିଥ୍ୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ହୁଏ, ତାପରେ ଡାକ୍ତର ବି ଦିଅନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ, ଏହାପରେ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅର୍ଥ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ। ନାଇଁ, ମେନି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ, ତେଣୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ, FIR, ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟସ୍, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ କିଛି କିଛି ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ କେସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ବା ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ମ୍ୟାଟର। ପୋଲିସ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା କ'ଣ ନ କଲା ତାହା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ତାହା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଫେକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଡଭାଇଜରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ, ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। 7ଟି ଖଣି ବନ୍ଦ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଖଣି ଜୋରିମାନା ନଦେବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ସର୍କଲ୍ର ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ମେସ୍କୋ ଆଇଡିସି ଖଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଖଣି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଶ୍ରମିକ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ 1,00,000 ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଖଣି ଚାଲୁ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସେପଟେ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ହରାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସରକାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ ଯୋଉ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଗଲା, ଫାଇନ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ, ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲୁ ନାହିଁ, କାମ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମଧାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଖଣି ମାଲିକ ଭୁଲ କଲେ, ସରକାର ଭୁଲ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରୀହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ପରିବାର ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନ ଖୋଲାଯାଏ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାଟେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଧାନର MSP ବୃଦ୍ଧି ହେବନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେପି ଜବାବରେ କହିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା 1,550 ଟଙ୍କା ଚାଷୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ 30% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଲା MSP ରାଜନୀତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଦେଇଥିବା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2017-18 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଧାନର MSP 1,550 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାଷୀକୁ 433 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଇନପୁଟ ଆସିବା ପରେ CACP ଏହି ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଗକୁ MSP ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2,344 ଟଙ୍କା। ଖୋଦ୍ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯାହା କହେ ତାର ଓଲଟା କରେ। ବିଜେପି ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଯେ କୃଷକ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ସମାଜ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶେଷତଃ ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏ ଅବହେଳାକୁ କଦାପି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ଜାତି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି
যে দর বৃদ্ধি করিবার কোনসি আবশ্যকতা নাহি তাহলে মোর প্রশ্ন তাঁকু বিধানসভা ভিতরে কাহিঁকি দৃঢ়তার সে কহিলে যে নাই মিনিমম সাপোর্ট প্রাইস বৃদ্ধি করা যাও। যে নেতা মানে 1550 টাকা চাষীঙ্কু দুয়াই পারু নাহান্তি, 700-800-900 টাকারে কুইন্টাল প্রতি কুইন্টাল চাষী বিকিবা পাই বাধ্য হউচি, তার জবাব আগে রাজ্য সরকার রখন্তু এবং এই বাবু মানে যে মানে এমএসপি বড়াইবার দাবি করছেন তার উত্তর দিয়ন্তু। এমএসপি কু নেই কেন্দ্র রাজ্য টনাউটরা চালিথিবা বেলে এবে সুধা খরিদ ধান সংগ্রহ গত বর্ষ অপেক্ষা 30% অধিকা হচ্ছে। বর্তমান সুধা 14,32,257 মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছে। সংগ্রহ হইতিবা ধান বাবদরে 1877 কোটি টাকা চাষীঙ্ক আকাউন্টকু পঠাই দিয়া যাইছি। মিলিংরে অনিয়মিততা যোগু 81 জন বিলরঙ্ক বিরোধরে কার্যানুষ্ঠান নিয়া যাইছি। বর্তমান সুধা 2,32,075 চাষী আমাকে ধান বিক্রি করছেন, সেইটারে 81টি মিলার ইন টাইম দুই মাস ভিতরে ফেরাই না যেত কোয়ান্টিট লওয়া কথা, তেমন আজ সে সাপ্লাই বন্ধ করে দেছু আনটিল দে গিভ দি সিএমআর। গোটে পটে ধানর এমএসপি নেই কেন্দ্র রাজ্য টনাওটরা, অন্যপটে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বে চলিত খরিফ সিজনরে বম্পর ক্রপ যোগু ধান সংগ্রহ 70 লক্ষ মেট্রিক টন কু ছুইব বলি আকলন করা যাইছে। বলাঙ্গীরু চন্দ্রভানু মলনা, ভুবনেশ্বরু ক্যামেরাম্যান গোরপ্রসাদ রাজগুরুঙ্ক সহ শিবানন্দ দাস, থবির সামল ও দুর্গাপ্রসাদ ষড়ঙ্গী, নিউজ 18 ওড়িয়া। লোকসভা পরে এবে রাজ্যসভার অনুমোদন কু অপেক্ষা, আসন্তাকালি রাজ্যসভায় আগত হব বহু চর্চিত তিনি তালাক বিল। বিল আগত বেলে সমস্ত বিজেপি সদস্য গৃহরে উপস্থিত রহিবাকু হুইপ জারি করিছে দল। লোকসভায় বিল গৃহীত করিবাকু কেন্দ্র সরকারকু যেতেটা সহজ হেলা তাহা রাজ্যসভায় হেবা কষ্টকর হয়ে পড়িব। লোকসভা ভলি রাজ্যসভায় পুনি ট্রিপল তালাক প্রসঙ্গ উঠিবাকু প্রস্তুত হইছি বিজেডি। বিজেডি সহিত কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, ডিএমকে, এআইএডিএমকে সাংসদ মানে বিলরে সংশোধন পাই রাজ্যসভা অধ্যক্ষকু অনুরোধ করিছন্তি। উপস্থাপন পূর্বরু বিলকু সিলেক্ট কমিটিকু পঠাযাও বলি দাবি জনাইছন্তি। বিজেডি সাংসদ ভর্তৃহরি মহতাব কহিছন্তি এই বিল দেওয়ানি প্রসঙ্গ হইতিবা বেলে এহাকু ফৌজদারি নিয়মরে পরিবর্তন করিবাকু উদ্যম হেউছি। জবাবরে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কহিছন্তি মহিলাঙ্ক বৃহত্তর স্বার্থ দৃষ্টিরু বিলকু সবু দল সমর্থন করিবা আবশ্যক। রাজ্যসভায় বিজেডি এই বিলকু বিরোধ নকরি সমর্থন করিবাকু আহ্বান দেইছন্তি কেন্দ্রমন্ত্রী। গোটিয়ে বড় সমস্যা রয়েছে এক দেওয়ানি আইন ফৌজদারি নিয়ম গুড়িক সন্নিবেশিত হয়েছি, যদি সুপ্রিম কোর্ট তাকু সম্পূর্ণ ভাবে বেআইন ঘোষণা কলা, অসাংবিধানিক ঘোষণা কলা এবং সেই জন অভিযোগ করা মাত্রে তাকু জেল হয়ে যাব এটা মতো ঠিক লাগিলানি, তাহা সংবিধান বিরোধী এবং বেআইন, এবং সে প্রকার এক আইন আনুথবার বিজু জনতা দল তাকে বিরোধ করে। এক ঐতিহাসিক কানুন সরকার বানানে কে লিয়ে সংসদ মে পেশ কিয়া হে, লোকসভা নে উসকো মঞ্জুরি দি হে, হামারি পুরি অপেক্ষা হে রাজসভা মে জো লোক উসমে আপত্তি জতা রহে থে জো ভি হো, বিশেষ করকে মে বিজু জনতা দল কি মিত্রো সে মেরা আপিল রহেগি, ও লোক জো সচ মে আগর মহিলাওঁ কে প্রতি উনকি প্রতিবদ্ধতা হে, বিশেষ করকে অল্পসংখ্যক মহিলাওঁ কে প্রতি উনকি প্রতিবদ্ধতা হে, উনকো ও সারে ভেদভাব ছোড়কে বিল কো সমর্থন করনি চাহিয়ে, রাজ্যসভা মে ও পারিত হো, জলদি উন বহনো কো ন্যায় মিলে। জম্মু কাশ্মীরে আতঙ্কবাদী আক্রমণের শহীদ ওড়িয়া জবান প্রদীপ পণ্ডা পরিবার 5 লক্ষ টাকার সহায়তা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসহিত তাঁর পত্নী মাসিক 2000 টাকার পেনশন দিয়াযিব। প্রতিরক্ষা এবং অর্ধসামরিক কর্মচারী রিলিফ পাণ্ঠি এই পেনশন মিলিব বলে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ঘোষণা করেছেন। সেপটে শহীদ জবান প্রদীপ পণ্ডা শ্রীনগরের গার্ড অফ অনর প্রদান করা, সিআরপিএফ পক্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াযাই। আজ সন্ধ্যার ভুবনেশ্বরের পৌঁছব প্রদীপ পার্থিব শরীর। প্রদীপ গাঁ সুন্দরগড় জেলার লিপলৈরে তাঁর স্মৃতিতে শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ করা বলে রাজগাঙ্গপুর মিউনিসিপালিটি অধ্যক্ষ সুশ্রীতা পাইকরায় কহিছেন।
विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रार आज हेउछि शेष संध्या कंस बद्ध हेबा सहित शेष हेबो धनुजात्रा शिवधनु भंग कुबलया हस्ती बद्ध अष्टमल्लंकु निहत करिबा परे कंस बद्ध करिबे श्रीकृष्ण मथुरा नगरी कारागारु मुक्त हेबे देवकी वसुदेव एहा परे महाराज उग्रसेनंकु पूर्णी मथुरा नगरीर सिंहासन आरोहण दृश्यरे सरिबो एबर्थर धनुजात्रा वर्तमान मथुरा नगरीरे बेनीभाई कृष्ण बलरामकु दियाजाउछि विपुल स्वागत संबर्धना गोपपुर भळि मथुरा नगरीरे घरे घरे चलीछि पूजार्चना गोटे पटे मथुरावासी उत्साहित थिबा बेले अन्य पटे निज आसन्न मृत्यु कु नै विचलित महाराज कंस एमिते कै भक्त नहंती जेता निज मृत्यु कु निजे आमंत्रण करूछि तेणु मुहि सही भक्त नवधा भक्ति रे नुह वैरी भाव रे आमंत्रण करिअछि कृष्ण को एवं त्राही पाइबा पाई द्वापर जुगरु पिठा मड़ा सब करसु सब बंधु बांधव के डाकीचु आ बहुत खुशी लागुचे महाप्र के हमें पाई करी महाप्र के दर्शन करी करी आ बहुत हमें खुश अछु गोपपुर न मथुरा के आसले भल लागुचे हमको बहुत खुशी लागुचे सब वर्षन ता मिलो त आ हम समर से दर्शन करू बहुत भल लागला कंसंकर अतिथि हे के आसवा गोटे सौभाग्य एडा गोटे वर्ल्ड फेमस धनु यात्राटा वर्ल्ड फेमस आ ई मंच रे ठिया बा इटसेल्फ गोटे बहुत सम्मान रो जिंस तेणु मु सबु बेले कृतज्ञ ज्ञापन करबी सारा बरगढ़ वासी मानकु ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को कंस महाराज को जेन मानक लागि आज आमे ई मंच रे कलाकार माने ठिया हे पारु बरगढ़ माटी होछे लोक संस्कृति परंपरा रा माटी आउ सबुबेले मुई बरगढ़ आसबा लागि चाहूतली बट अनफर्चुनेटली केबे सुजोग नै मिलथाय बट एंटा सुजोग मिलला फेर राज अतिथि हिसाब रे आसबा लागि त मुई भाबसी जे पेशेंस इज द मोस्ट की ऑफ लाइफ आउ पेशेंस रखले जीवन रे सक्सेस बहुत आके मिलसी बट लास्टली मुई कहबी जे सक्सेस इज नॉट एन अचीवमेंट इट इज ए जर्नी सो ई जर्नी रे मुई शामिल हेबा लागि चाहू छे आउ सक्सेस त सबुबेले आसबा धीरे धीरे बुलेटिन सेसरे पुणि थरे नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हटिबो काउंसिल आसिबो कमिशन संसद रे आगत पूर्वरु नेशनल मेडिकल कमिशन बिल को देशव्यापी डाक्तरों का विरोध संशोधन पई स्टैंडिंग कमिटी को पठाइले केंद्र सरकार निर्वाचन पूर्वरु बीजेडी रा यूथ कार्ड नुवा भोटरों को दल को आनिबा पई प्रस्तुत थला एक्शन प्लान 2000 मसिया परे जन्मित पिलांक स जोड़ी हेबो दल विरोधी कहिले निष्फल प्रयास जोर धरला धान राजनीति राज्यसभा एमएसपी वृद्धि को केंद्र कृषि राष्ट्रमंत्री ना पर तातिला बीजेडी राज्य को दोष दला बीजेपी सेपटे डिसेंबर सुधा 30% अधिक धान संग्रह खणि बंद पर बढ़ला चिंता केन्दुझर जोड़ा अंचल में हजार हजार श्रमिक जीविका हर आशंका राज्य हर वार्षिक 300 कोटी राजस्व बिना दुर्घटन बीमा टंका हड़प दलाल सहित पुलिस वकिल डाक्तरों मेंटर पर्दाफाश पर खोलताड तदंत कर क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम देखिले न्यूज 18 ओडियार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कंस राजुति में पड़ जवनिका बरगढ़ धनुजात्रा रे आज मंचस्थ हेबो शेष दृश्य कृष्ण हाथ में बद्ध हेबे प्रबल प्रतापी महाराज कंस समय सरी आमरे ओडिशा को एट रखा नमस्कार।